डायरेक्टर ने गोविंदा को 2 मंजिला जितने ऊंचे सेट पर चढ़ाकर हटा दी थी सीढ़ी। गोविंदा अक्सर फिल्म की शूटिंग के लिए देर से पहुंचते थे। एक फिल्म की शूटिंग पर गोविंदा 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 दिन लेट पहुंचे थे। गोविंदा के अनप्रोफेशनल बर्ताव को लेकर कई किस्से सुनने को मिलते हैं। वही गोविंदा का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री अब बदल गई है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक जमाना था जब गोविंदा बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 हुआ करते थे। उनका कैरियर आसमान को छू रहा था, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन कहा जाता है गोविंदा काफी अड़ियल थे। जब गोविंदा का कैरियर ऊंचाइयों को छू रहा था तो गोविंदा के व्यवहार में बदलाव आ गया था। गोविंदा अपनी फिल्मों के सेट पर अक्सर देरी से पहुंचते थे। एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ ने बताया, प्रहलाद ने कहा कि फिल्म की शूटिंग पर गोविंदा एक बार 1-2 घंटा लेट नहीं बल्कि 2 दिन लेट पहुंचे थे। उन्होंने बताया, हम हैदराबाद में एक बड़े सेट पर काम कर रहे थे। गोविंदा को श्रीनगर से आना था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा, कैसे आएगा तू, तेरी फ्लाइट नहीं है। गोविंदा ने कहा, वह गाड़ी में बैठकर आएंगे। उन्हें लगा शायद श्रीनगर से हैदराबाद आने में उन्हें गाड़ी से 8 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वह 2 दिन बाद आए। वह फिल्म की शूटिंग पर 48 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन वह आए जरूर थे। एक और किस्से का जिक्र करते हुए प्रहलाद ने बताया, मुझे याद है एक बार हमने टाइटैनिक जितना बड़ा सेट लगाया था। गोविंदा आया और बोला, जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा, नहीं, तू ये पूरा कर ही जाएगा, ये सेट तेरे लिए खड़ा किया गया है। प्रहलाद कक्कड़ ने आगे बताया, हमने उसे सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ाया। सेट की ऊंचाई 2 मंजिल के बराबर थी। हमने सीढ़ी हटाई और शूटिंग करने लगे। गोविंदा बार बार कह रहा था, मुझे जाना है। मैंने कहा, कूद जा फिर, तो वह चुप हो गया और हमने काम पूरा किया। इसके बाद गोविंदा शूटिंग पूरी करने के बाद ही वहां से गए।